हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। सुबह के 8 बज चुके हैं। मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जैसे ही अपने छत पर आया तो मुझे ये देखिए, यहाँ पर एक पेड़ दिखा जो कि मेरे छत के किनारे गिट्टी के बगल में निकला हुआ। जानते हैं कि पीपल हमें क्या नहीं देता है, लेकिन ये इस गलत जगह पे जन्म ले लिया और मुझे मौका मिला है इसे एक जीवन दान देने का। तो आज हम इस पीपल के पेड़ को जीवन दान देने वाले हैं। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग भी ऐसे जो कहीं कहीं हर जगह पेड़ निकल जाते हैं, कभी दीवार के किनारे, कभी कहीं, तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन करना लगाना ही हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम इससे बहुत कुछ लेते हैं। ऑक्सीजन देता है, छांव देता है, और पीपल की बातें तो आप सब भली भांति जान ही रहे होंगे। तो आज मैं इस पीपल को नीचे जाकर लगाने वाला हूँ, और आप लोग से भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी पेड़ लगाएं, कम से कम साल में एक बार ज़रूर पेड़ लगाएं। साल में आपका एक बर्थडे आता है, बर्थडे में आप इतने खर्चे करते हैं, कोई मतलब नहीं होता। कम से कम साल में हम एक पेड़ ही लगा लेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। और ये पेड़ ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है। आप सब जानते हैं पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ को ले जाके यहाँ नीचे लगा दिया जाए। देखिए, ये मेरे घर का सामने एरिया है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके लिए गड्ढा भी खोद रखा है, और अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं लगाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग से मुझे यही कहना है कि आप भी पेड़ लगाएं, क्योंकि नेचर से हम बहुत कुछ लेते हैं, तो नेचर को देना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं ये मिट्टी और यहाँ पर डाल दे रहा हूँ जिससे ये पेड़ लग जाए। तो फ्रेंड्स, नेचर से हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन देते क्या हैं? सिर्फ प्रदूषण और कचरा, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। इसलिए हम सबको चाहिए कि कम से कम पेड़ लगाते रहें और बच्चों को भी सिखाएं। ये पेड़ मैं वैसे यूसुफ लगाने वाला था, लेकिन यूसुफ अभी फ़िलहाल गांव में है, वरना मैं उसे भी सिखाता कि बेटा पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग से बस यही कहना है मेरा कि हम नेचर से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन देते केवल गंदगी है। तो आज ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, और आप लोग भी इस तरह से कोशिश करिए कि पेड़ लगा सकें हम। पेड़ को यहीं लगा दे रहा हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि ये पेड़ यहाँ नहीं बड़ा हो पाएगा, तो फिर इसे हम यूसुफ के हाथों कहीं और लगवा देंगे। यूसुफ भी आने वाला है कुछ ही दिन में गाँव से। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा करिए यार, बिल्कुल ज़रूरी है, हमारा फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है, क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हम कुछ नहीं दे पाते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। फ्रेंड्स, हमने ये पेड़ को लगा दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और यही बड़ा हो जाएगा अगर तो कितना ऑक्सीजन हम सबको देता है, आप जानते ही हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी पेड़ लगाएं और नेचर को हेल्प करें। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यह बताना चाहता था कि अगर हम नेचर को थोड़ा सा सपोर्ट करें तो नेचर हमें कितना सपोर्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता था, और आप मोटिवेट हुए भी होंगे। क्या ही कहने हैं भाई, पीपल के तो खैर कोई कहने ही नहीं है, इसके छांव और इसके गुण के बारे में। तो भाई, पीपल का पेड़ ज़रूर लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के मोटिवेशनल एक से एक वीडियो और लाते रहूँ। हमारे वीडियोस में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को प्रमोट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।